हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी कार्ले और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ एडिटिंग टिप्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में। दोस्तों एडोब प्रीमियर प्रो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आज हम सीखने वाले हैं स्वटर इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इस इफेक्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल म्यूजिक सॉन्ग में किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रैप सॉन्ग में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक प्रीसेट डाउनलोड करना है, ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप इस प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रीमियर प्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट यूनिट में डबल क्लिक करना है, जिस वीडियो को एडिट करना है उस वीडियो को यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ पर ये वाला वीडियो यहाँ पर आ चुका है, इसको यहाँ पर हमें टाइमलाइन पे लाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, नॉर्मल वीडियो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का वीडियो है, ठीक है, रैप सॉन्ग वाला वीडियो है, ठीक है। इसमें हम शटर इफेक्ट देने वाले। तो दोस्तों इफेक्ट देने के लिए क्या करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वाला इफेक्ट है, ठीक है। इस इफेक्ट को आपको डाउनलोड करना है, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाता हूँ किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इफेक्ट डिलीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए प्रीसेट में राइट क्लिक करना है, इनपुट प्रीसेट पे जाना है, मैंने जो प्रीसेट दिया है उसको डाउनलोड करना है, उसको यहाँ पर ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर प्रीसेट फोल्डर में ये वाला जो प्रीसेट है आ जाएगा, ठीक है, शटर इफेक्ट वाला। इस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, हमारे वीडियो के ऊपर ऐड करना है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारा वीडियो अटक अटक के चलेगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से वीडियो अटक अटक के चलेगा। दोस्तों ये अटक रहा नहीं है, ये इफेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इफेक्ट कंट्रोल में आना है। दोस्तों इफेक्ट कंट्रोल में आना है, अगर यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो विंडोज़ में जाके आप इफेक्ट कंट्रोल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल में नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो इफेक्ट है इसका यहाँ पर प्रीसेट आ जाएगा। तीन ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, गोशियन ब्लर, इको, पोजिशन, टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। सबसे नीचे जो ऑप्शन है पोजीशन टाइम, इसको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रेम रेट जो लिखा है यहाँ पर 4.0 है, इसको हम बढ़ा देंगे 99% करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो वीडियो है काफ़ी फास्ट मूवमेंट करेगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यानी पहले जो वीडियो अटक अटक के चल रहा था वो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है इको वाला, इको में जाना है। इको में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इको टाइम है, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वीडियो में देखिए ये हमारा जो एक्टर है इसका शैडो दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इसका यहाँ पर देखिए अलग से एक शैडो दिखाई दे रहा है वीडियो में। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड हम जहाँ चाहिए वहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये शैडो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वीडियो के पीछे एक शैडो दिखाई दे रहा है इस एक्टर का। तो ये है इको टाइम का इफेक्ट, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर भी अगर हम इसको बढ़ा देते तो वीडियो में लाइट वाला जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा नॉर्मल रख देना है। तो दोस्तों हमारा इफेक्ट जो है वो बन चुका है, ठीक है। इस इफेक्ट का नाम है शटर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इफेक्ट बन चुका है, मैं अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट बन जाएगा। दोस्तों इस इफेक्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रैप सॉन्ग में किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।